नमस्ते, मैं उष्मा टंडेल आपका आज के सेशन में स्वागत करती हूँ। आज का सेशन स्लीप हिप्नोसिस एफर्मेशंस फॉर लोनलीनेस पर है। अपने अकेलेपन की भावना को दूर करने के लिए कुछ सकारात्मक सुझावों पर है, पर उससे पहले यह कुछ उपाय है जो आप अकेलेपन की भावना को दूर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। खुद पर तरस खाना बंद करें, खुद के दोस्त बने, अकेलेपन का मुकाबला करने के लिए अपने जीवन में संगीत को शामिल करें, एक उल्हासित पुस्तक पढ़ें, दूसरों के साथ संबंध बनाएं या किसी के जीवन को स्पर्श करें, सकारात्मक विचार सोचें और खुद से सकारात्मक बातें करें, ध्यान, मेडिटेशन और प्रार्थना में समय व्यतीत करें। आज के सेशन में आपको कई सकारात्मक सुझाव मिलेंगे जो आपके अकेलेपन की भावना को जुड़ाव की सद्भावना में जोड़ देंगे। अपनी इन्हीं भावनाओं और विचारों को दूर करने के लिए मैं आपको इस रिकॉर्डिंग को कम से कम 21 दिनों तक सुनने की सलाह देती हूँ, या जब तक आप आवश्यकता महसूस करती हैं। अपने मन को भटकने की और शांत होने की अनुमति दीजिए, और अगर आप सो जाएं तो भी भरोसा रखें कि यह प्रक्रिया बड़े अच्छे से आपके सबकॉन्शियस माइंड अवचेतन मन पर काम कर रहा है। अगर अंत में आपको यह रिकॉर्डिंग पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें और कमेंट कर अपने अनुभव बताएं। बेल आइकन क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नए वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहे। साथ ही साथ मैं भी और ज़्यादा वीडियोस बना पाऊँगी और ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाऊँगी। थोड़ा समय लेकर अपने आप को रिलैक्स होने दें और अपनी आंखें बंद कर दें। अपने शरीर को बस आराम करने दें। अपने आरामदायक अनुभवों में डूबने दें। आपको एक लंबी गहरी सांस लेने की जरूरत महसूस हो सकती है। अपने नाक के माध्यम से सांस अंदर लें और अपने मुंह के माध्यम से सांस बाहर निकालें। और बस अपने आप को अपने खुद के आरामदायक अनुभवों में डूबने की अनुमति दे, जबकि यह सुझाव आपके अवचेतन मन पर काम करते हैं। आप मेरी आवाज सुन रहे हैं और आप चुन रहे हैं वह सुझाव जो आपके लिए उपयुक्त है। सभी विकल्प, सभी चुनाव
आपके हैं। अपने मन को अन्य सभी विचारों से मुक्त कर दें। मन में आने वाले सभी विचारों को जाने दीजिए और इन सकारात्मक एफर्मेशंस में, सकारात्मक सुझावों में अपने आप को डूबने दीजिए। यदि आप अपनी खुद की कंपनी का आनंद लेना चाहते हैं और जब भी आप चाहें अच्छी कंपनी के लिए अस्वस्थ रहना चाहते हैं, तो यह सकारात्मक सुझाव आपके लिए ही बने गए हैं। यह शुरुआत में अजीब लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे यह आपके जीवन में बदलाव लाना शुरू करेगा। यह सुझाव खास आपके लिए डिजाइन किए गए हैं, ताकि आप स्वयं के साथ साथ दूसरों से भी आसानी से जुड़ाव महसूस कर सकते हैं। अपने अकेलेपन के डर से हतोषित ना हो और इन एफर्मेशंस के साथ अपने आप को गले लगाएं। हर अंदर आने वाली सांस के साथ क्षमा, धैर्य, दया और उदारता आपके अपने जीवन में समाहित कर रहे हैं और हर बाहर जाने वाली सांस के साथ आप सभी मुश्किल भावनाओं या कमियों को दूर कर रहे हैं जो आपको दूसरों से जुड़ने से रोकते हैं। मैं खुद से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ, खुशी महसूस करने के लिए दूसरों की कंपनी की जरूरत नहीं है मुझे। मैं अपने अकेलेपन, परित्याग और खालीपन के भ्रम को आज तोड़ता हूँ। मैं खुद से चीजों को करते समय अस्वस्थ और सहज हूँ। खुद से चीजें करने से मुझे गर्व और उपलब्धि की भावनाएं मिलती हैं। मैं अच्छी कंपनी का आनंद लेती हूँ और अन्य लोग मेरी कंपनी का भी आनंद लेते हैं। मैं खुद से प्यार करता हूँ, मैं खुद को पसंद करता हूँ, इसीलिए मैं अच्छी कंपनी पाने के लिए अस्वस्थ हूँ। मुझे अस्वीकारित होने का डर नहीं है। मैं अपनी अहमियत जानती हूँ। मैं धनी और अत्यधिक पसंदीदा हूँ। मैं मूल्यवान हूँ। मेरा समय मूल्यवान है। मुझे सभी से अच्छी उम्मीद है। मैं उन रिश्तों को
आकर्षित करता हूँ जो मेरे हौसले को बढ़ाते हैं। मैं उन रिश्तों को आकर्षित करती हूँ जो मेरे जीवन में मूली बढ़ाते हैं। मैं उन लोगों को आकर्षित करता हूँ जिनके पास मेरे लिए सच्चा प्यार है। मेरे सच्चे और अच्छे दोस्त हैं। मैं एक सुंदर जीवन का निर्माण कर रही हूँ। मुझे इस प्रक्रिया पर भरोसा है। मेरा भविष्य हंसी, अच्छे समय और खूबसूरत यादों से भरा है। मेरे पास सभी अच्छी चीजों की बहुतायत है। मैं खुद के साथ सहज हूं। मुझे अपना साथ पसंद है। मैं अपने आप से प्यार करता हूं। मैं अपने सच्चे मन के संपर्क में हूं। मैं अपने मन की चुप्पी का आनंद लेती हूं। अपने दम पर मैं रचनात्मक और चतुर हूं। जब मैं अकेला होता हूं तो मैं एक जगह स्थिर होता हूं। अकेले रहने पर मेरा दिमाग नए नए विचार योजनाओं के लिए खुल जाता है। मुझे अपने विचारों में डूबे रहने में आनंद आता है। अकेला रहना मेरे लिए फायदेमंद है। मैं अपने अंतर्ज्ञान के संपर्क में हूं। मुझे अपनी आंतरिक शक्ति से प्रोत्साहन मिलता है। मैं अपनी कंपनी का आनंद लेने लगी हूं। मैं खुद को समझने के लिए समय लेता हूं। मैं जो हूं उसकी सराहना करूंगा। मैं अपने बारे में नई नई चीजें सीखता हूं। मैं समझती हूँ कि अकेलापन अकेला होने के समान नहीं है। मैं अकेलेपन से नहीं डरूंगा। मैं अपने आप ही स्वाभाविक रूप से तनाव मुक्त हूँ। मैं हमेशा अपने आप को समय और ध्यान देता हूँ जिसका मैं
हकदार हूं। मैं खुद को उस व्यक्ति की तरह देखती हूं जो मैं वास्तव में हूं। मैं अकेले समय बिताने के लिए तत्पर हूं। केवल मैं अपनी सच्ची खुशी के दरवाजों को खोल सकता हूं। मैंने खुद से प्रेम करना सीखा है। मैं अपनी सभी व्यक्तिगत जरूरतों और इच्छाओं के साथ जुड़ा हूं। मेरे अकेलेपन में मैंने खुद को पाया है। मैं समझती हूं कि मैं अपनी नजरों में क्या हूं। मैं स्वयं के साथ एकांत में समय निकालता हूं। मेरे जीवन में लोग हैं जो मुझसे प्यार करते हैं और मेरे लिए वे हमेशा मेरे साथ रहेंगे। एकांत के क्षण मुझे अपने विश्वास, आध्यात्मिकता, सपने, सत्य के बारे में अधिक जानने का अवसर देता है। मैं अपने आप में आराम और शांत क्षणों में शांति पा सकता हूं। मैं दूसरों के जीवन को कोमल दयालु मुस्कान के साथ स्पर्श करती हूं। मेरी अन्य लोगों के साथ काफी बातचीत होती है। मैं दूसरों की कहानियों को उत्सुकता से सुनता हूं। दूसरों के प्रति सहानुभूति, चिंता और दयालु भाव रखने से सुकून का दरवाजा खुलता है। हम सभी सकारात्मक और प्यार भरे रिश्तों से जुड़े हुए हैं। अपनी सच्ची भावनाओं को व्यक्त करना मेरे लिए पूरी तरह सुरक्षित है। जितना मैं जोखिम लेती हूं उतना ही जीवित महसूस करती हूं। मैं एक बेहतर श्रोता हूं। अपने परिवार जन से मैं सकारात्मक रूप से जुड़ा हुआ हूं। मैं उस तरह का माहौल बनाती हूं जहां एक सच्चा संबंध बनाया जा सकता है। मैं एक पोषण करने वाला अद्भुत समुदायों से संबंधित हूं। मुझे अपने बारे में अच्छा लग रहा है। मैं जानती हूं कि मैं मायने रखती हूं। मैं संबंधित हूं।
मुझे यहाँ रहने का अधिकार है। मेरे जीवन का उद्देश्य प्रेम है। आप उन सभी सुझावों को स्वीकार कर रहे हैं जो आपके लिए सकारात्मक और लाभदायक है, और जो अभी आपके लिए फायदेमंद नहीं है उन्हें त्याग रहे हैं। यदि आप बिस्तर पर हैं, तो आप बस एक गहरी नींद में बह सकते हैं। अब आप रिकॉर्डिंग को बंद कर सकते हैं या इस गिनती को अनदेखा कर दें। अब कुछ ही क्षणों में मैं आपको 1 से 5 तक गिनती करूंगी। 5 पर पूरी तरह से आप सचेत हो जाएंगे और इस सेशन के कारण होने वाली शांति और शिथिलता का अनुभव करेंगे। एक गहरी सांस ले और ऊपर आना शुरू करें। तो महसूस करें कि किस तरह यह हिप्नोसिस आपके अकेलेपन की भावना को दूर कर रहा है। तीन, एक ताजगी का एहसास हो रहा है। चार, कुछ और गहरी सांसें लेकर अपने आप को और ऊपर आने की परवानगी दीजिए। पांच, अपनी आंखें खोलें और सचेत हो जाएं। 1, 2, 3, 4, 5, आंखें खोल दे, पूरी तरह से सचेत हो जाएं। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। नमस्ते।